एनआरसी और सीएए को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी संगठन ने एनआरसी और सीएए की कमान अपने हाथों में ले ली है। बीजेपी और कमल संदेश के माध्यम से बूथ स्तर तक आम जनता को एनआरसी और सीएए के फायदे को बताने का काम करेगी। बीजेपी ने एनआरसी और सीएए के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जनता के बीच में जाकर एनआरसी और सीएए को लेकर विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर जन जागरूकता अभियान के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सभी जगह गोष्ठियां करके लोगों के बीच में जाके जनसभाएं करके और छोटी छोटी जो हमारी सभाएं होती हैं नुक्कड़ सभाएं करके जो गलतफहमी हमारे विपक्ष के लोगों ने फैलाई है गैर जिम्मेदाराना काम किया है। एक जिम्मेदार पार्टी के नाते हम लोग सही तस्वीर जनता के सामने रखें। कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। 28 दिसंबर को कांग्रेस राजधानी देहरादून में देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया। बैठक में राजधानी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में संविधान की हत्या की जा रही है, इसलिए कांग्रेस इसको बचाने के लिए ये प्रयास कर रही है। अरे पार्षद चाहे जीते हों या हारे हों उनको हमने आज बुलाया है इस बात के लिए कि 28 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोनिया जी के आह्वान पर भारत बचाओ संविधान बचाओ 28 तारीख को उस दिन मार्च हम करेंगे देहरादून के अंदर, तो उसके लिए बुलाया है, उसकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में है।